राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, अलवर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाया कमल ई केंद्र। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा, केंद्र से मिलेगी तमाम जानकारी। बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर प्रदेश की सियासत हुई गर्म, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे रिफाइनरी का शिलान्यास। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शिलान्यास को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर अशोक परनामी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस सरकार के एमओयू पर नहीं लगा रही रिफाइनरी, गहलोत लगा रहे गलत आरोप। अलवर में पूर्व सांसद और मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने जिला चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह यादव रहे मौजूद। यादव ने कहा असली उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह। झुंझुनू में अपनी मांगों को लेकर सरकारी टीचर्स ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने किया हंगामा, गिरफ्तारी देने आए टीचर्स ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिफाइनरी का शिलान्यास किए जाने से पहले कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शिलान्यास को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाली रिफाइनरी का शिलान्यास कांग्रेस सरकार में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कर चुकी थी, लेकिन फिर से बीजेपी सरकार द्वारा शिलान्यास करवाना और पीएम को बुलाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए शिलान्यास की रिपीट कर रही है। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाड़मेर में रिफाइनरी का पहले शिलान्यास होने के बारे में अवगत करवाया, फिर भी सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण शिलान्यास करा रही है। गहलोत ने कहा कि इस योजना को मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसलिए लटकाए रखा ताकि कांग्रेस को इसका श्रेय न मिल सके। देरी के परिणाम यह रहे कि राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ा, इसमें सरकार को भी राजस्व का घाटा हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट का भी उदाहरण है, मैंने भी लिखा है कि जब आप एक बार आपका चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो जो गुजरात के अंदर इन्होंने किया था कि इन्होंने हिमाचल और गुजरात के चुनाव के साथ में घोषणा नहीं करी थी, जो साथ में घोषणा करनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए था कि साथ में करते, दबाव नहीं आते वो साथ में आने की घोषणा, उसके बाद में छूट दी गई वो जाके वहाँ पर उद्घाटन शिलान्यास कर सके, वहाँ की गवर्नमेंट के फैसले कर सके, और गवर्नमेंट ने हद कर दी वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट ने, आप सब तो देखते हो, गवर्नमेंट को 2 महीने बाकी बचे थे और बोर्ड कॉर्पोरेशन को होने करवा दी। बाड़मेर में रिफाइनरी को लेकर प्रदेश की सियासत उबाल पर है। हालांकि इसी महीने उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अब रिफाइनरी का श्रेय लेने में जुटी हुई हैं। सत्ता पक्ष इसे विकास बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। और वहीं अशोक गहलोत ने हिंदुत्व को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने कहा कि क्या बीजेपी और संघ से जुड़ा कार्यकर्ता ही हिंदू है? जब से राहुल गांधी मंदिरों में जाने लगे हैं, ध्रुवीकरण की सियासत करने वाले टेंशन में आ गए हैं। गहलोत ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के हितेशी होने का नाटक कर रही है। कांग्रेस का दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का रहा, हमेशा रहा है, और सोनिया गांधी जी वो नेता देश की एकमात्र जिसे सबसे पहले कहा कि महिलाओं को 33% आज से मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर, वो तो स्थिति है हमारी। तो महिलाओं के हितों की रक्षा करने में कांग्रेस बीजेपी से आगे है, नंबर 1। बीजेपी खेल खेल रही है राजनीति का,
उनका कोई महिलाओं से कोई मुस्लिम महिलाओं से छोड़ दीजिए, मुसलमानों से उनको प्यार नहीं है, एक टिकट नहीं देते वो यूपी के अंदर, एक टिकट नहीं देते वो गुजरात के अंदर, तो क्या मुस्लिम इतने समझते नहीं है कि क्या प्यार है इनका हमारा? महिलाएं नहीं समझती उनकी, मुस्लिम महिलाएं नहीं समझती क्या क्या थे? बाड़मेर में 16 जनवरी को होने वाले रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर रिफाइनरी का दोबारा उद्घाटन करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आज अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जो MOU किया गया था उस पर रिफाइनरी नहीं लग रही है, ऐसे में गहलोत के आरोप गलत है। मैं गहलोत साहब से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि वो राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट दृश्य बताएं कि उन्होंने जो MOU साइन किया था क्या उसी MOU पर रिफाइनरी लग रही है, या नया MOU साइन हुआ है उस पर वो रिफाइनरी लग रही है? जब उनके द्वारा बनाए गए MOU पर रिफाइनरी नहीं लग रही तो उनका ये क्लेम करना वाजिब नहीं है। प्रदेश में अजमेर अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 से 10 जनवरी तक उपचुनाव संबंधित क्षेत्रों में चुनावी दौरे पर रहेंगे। गहलोत 8 जनवरी को अलवर लोकसभा के दौरे पर रहेंगे और संभवतः इसी दिन अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्ण सिंह यादव अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। 9 जनवरी को अशोक गहलोत मांडलगढ़ रहेंगे और 10 जनवरी को अजमेर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी प्रचार पर रहेंगे। माना जा रहा है कि 8 जनवरी तक ही कांग्रेस अजमेर और मांडलगढ़ में अपना प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। पूर्व CM अशोक गहलोत ने बताया कि इन्हीं उपचुनावों से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी शंखनाद करेगी। आपके साथ हूँ, मतलब राजस्थान के साथ हूँ और पूरी तरह से हम लोग लगेंगे। अभी चुनाव जो हो रहे हैं राजस्थान उपचुनाव, तो 8, 9, 10 का प्रोग्राम मनाया है नामांकन भरने का, उसमें तीनों हजारों में खुद भी अलवर के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर और अजमेर के अंदर। कांग्रेस ने अजमेर लोकसभा उपचुनाव और मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं, लेकिन उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा 7 जनवरी को की जाएगी। क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से बाहर हैं, ऐसे में अधिकृत घोषणा उनसे चर्चा करके ही की जाएगी। दिल्ली में अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर 2 बार बैठक हुई जिसमें प्रत्याशी चयन पर फिर से विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही अन्य जातिगत और सियासी समीकरणों पर मंथन किया गया। हालांकि अजमेर और मांडलगढ़ से संभावित प्रत्याशियों को प्रभारी पांडे और PCC चीफ सचिन पायलट ने इशारा करते हुए तैयारियों के निर्देश दे दिए। अजमेर में अगर BJP सांवरलाल जाट के परिजन को टिकट नहीं देती है तो फिर कांग्रेस दूसरी संभावनाओं पर विचार करेगी। अभी तक मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ और अजमेर से रघु शर्मा का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। साथ ही ज्योति मिर्धा और सुभाष महरिया का नाम भी पैनल में है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं BJP और कांग्रेस की ओर से भी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। BJP तीनों सीटों पर जीतना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत हासिल कर 2019 चुनाव की जीत का दस्तक देना चाहती है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ दोनों ही पार्टी बड़ी मजबूती से लग रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की नजर उपचुनाव में नव मतदाताओं पर है। प्रदेश के नव मतदाता की स्थिति किस पार्टी को मजबूती देगी ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं और जो पहली बार वोट देंगे वह BJP की पीठ थपथपाएंगे या फिर कांग्रेस को वापस से एक और मौका देना चाहेंगे, ये वाकई दिलचस्प रहने वाला है। जयपुर देहात के नव मतदाता सम्मेलन, जो नव मतदाता है उनको जोड़ने का अभियान चलेगा 1 से लेकर 15 जनवरी का, उसको लेकर तैयारियों की बैठक है। सभी
समन्वयक बनाए हैं सभी मंडलों में, एक युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष और एक बीजेपी का जो मंडल का महामंत्री है उसको रखा गया है। जिले से भी जो जिले कार्यकारिणी है उसमें से भी एक एक विधानसभा बार समन्वयक बनाए गए हैं। निश्चित तौर से पिछला भी अनुभव है कि पिछली बार पूरे राजस्थान में मैं प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो नवमतदाता सम्मेलन हुए थे। ये पार्टी का 1 जनवरी से 15 जनवरी तक नवमतदाता पंजीकरण अभियान चलेगा। मैं समझता हूँ इस देश के अंदर 35 वर्ष से कम उम्र के 65% से ज़्यादा मतदाता हैं और ये जो 35% से कम उम्र का मतदाता है ये इस देश की सरकार को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो एक युवा जिस सोच के माध्यम से वोट डालना चाहता है तो वोट डालने से पहले उसका नाम मतदाता सूची में आ गया या नहीं आ गया और बनकर उसका वोटर आई डी कार्ड उस तक पहुँच गया या नहीं पहुँच गया तो इसके लिए पार्टी ने 1 तारीख से 15 तारीख तक एक पंजीकरण अभियान रखा है। इस अभियान के माध्यम से हम ऐसे युवाओं को चिन्हित करेंगे जो 1 जनवरी 2018 को 18 साल का पूरा हो गया लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा या उसका परिचय पत्र उस तक नहीं पहुंचा तो उनका नाम जुड़ाना और उनका परिचय पत्र उन तक पहुंचा देना, इस काम को हम प्राथमिकता के साथ में पूरा करेंगे। इसको पूरा करने के साथ के अंदर जब वो पहली बार मतदाता बन जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका मतदाता बने उसके नाते उसका अभिनंदन भी किया जाना चाहिए। इसलिए हर वार्ड स्तर के ऊपर उसका अभिनंदन करेंगे, उसको एहसास करेंगे कि जब आप लोकतंत्र के अध्यक्ष को मतदाता बने तो आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में किस प्रकार से सुरक्षित है। अलवर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के जिला चुनाव कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिले भर से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव में अकेला नहीं पूरी जिला कांग्रेस लड़ रही है। टिकट मुझे मिला है, प्रत्याशी मुझे चुना गया है लेकिन असली उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं कि कितना जोश है कांग्रेस के अंदर भी और अलवर की जनता में भी और एक तरह से आज के जोश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है और हर कोई कांग्रेस का जो नेता है वो अपने आप को कैंडिडेट अपना भी घोषित कराए खुद और मुख्यमंत्री जी भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं किसका कैंडिडेट ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट ही ना होता है। ऐसी स्थिति अलवर के अंदर पैदा हो गई और इसलिए पैदा हुई है कि पिछले 4 साल में सरकार अलवर को भूल चुकी है, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो और जनता के अंदर बहुत बड़ा एक गुस्सा है। पूरी कांग्रेस पार्टी में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है और आम जनता में भी जोश है। भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया है किसानों को, युवाओं को, आम आदमी को, गरीब को, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अलवर के लिए लेके आए, एक विकास का एक नया रास्ता जो अलवर को दिखाया था वो इन लोगों ने रोक दिया है। अब चुनाव के समय में इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद आ रहे हैं, उस सबको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अब के भारतीय जनता पार्टी को डब्बा बंद करके वापस जयपुर भेजेंगे। आईटी सेल वॉर रूम के माध्यम से विधानसभाओं के एक्टिविटी का पता लग सकेगा। अलवर लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा को एक कंप्यूटर कॉल सेंटर प्रतिदिन की एक्टिविटी जनसंपर्क का संचय करेगा। उपचुनाव में प्रचार हेतु केंद्रीय स्टार प्रचारक, स्टेट स्टार प्रचारक सहित अनेक पदाधिकारी प्रचार करेंगे। एक कमल ई केंद्र इसका नाम है, इसके माध्यम से 8 विधानसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा में 8 ही हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं। एक विधानसभा का एक कंप्यूटर है, एक कॉल सेंटर है। उस विधानसभा में बूथ से लेकर के ऊपर तक की जो हमारी इकाई है पूरे उस विधानसभा की डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारा जनसंपर्क होगा, हमारे कार्यकर्ता कहाँ कहाँ गए, किधर किधर गए, किन किन से संपर्क किया, आज व्यापार मंडल से मिले, इस प्रकार की पूरे दिन की जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को हम यहाँ स्टोर करेंगे और उसके माध्यम से हम पूरे चुनाव का जो संचालन आई सेक्टर का है वो हम यहाँ से करेंगे। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश द्वारा 5वां उत्तरेणी कौतिक का आगाज हुआ। कार्यक्रम का आयोजन वैशाली नगर स्थित प्रताप मैरिज गार्डन में किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई जिसमें हजारों प्रवासी महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड की संस्कृति का परिचय देते हुए नजर आए।
अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तड़ांगी ने बताया कि यह विशाल सांस्कृतिक आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में पिछले 4 साल से किया जा रहा है। उत्तरायणी कौतिक हमारा 5वां उत्तरायणी कौतिक है। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश द्वारा आज जो कार्यक्रम सुबह जो है नंदा देवी की शोभा यात्रा निकली है, उसके पश्चात अभी जो है स्थानीय कलाकारों द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन भर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेंगे। उसके पश्चात 6 बजे से जो है राजवर्धन सिंह जी राठौड़ गाने का कार्यक्रम है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है युवा और खेल मंत्री। लोकसभा उपचुनाव को लेकर अलवर में ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जहां समस्त मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर राजन विशाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा में 1970 पोलिंग बूथ है। मतदाता सशक्तिकरण एवं पारदर्शिता से चुनाव हो, उसके लिए चुनाव आयोग ने अनेक स्थान पर वीवीपैट मशीन का डेमो देने के लिए कर्मचारियों को सेटअप के साथ नियुक्त किया है। इस बार कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट के साथ साथ एक तीसरी मशीन वीवीपैट, जिसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, तो वीवीपैट के माध्यम से पहली बार मतदान की प्रक्रिया संपादित होगी। करीब 1970 पोलिंग बूथ अलवर लोकसभा में है, उन सभी पोलिंग बूथों में वीवीपैट के माध्यम से मतदान होगी। और ये जो नवीन बदलाव भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, ये इसलिए किया है कि मतदाता का सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़े, और मतदाता को ये डबल श्योरिटी आए कि बैलेट यूनिट में मैंने जिस पार्टी और जिस आदमी को वोट दिया है, वो वोट वास्तव में उसी आदमी को, उसी कैंडिडेट को पड़ा। सवाई माधोपुर के आलनपुर स्थित दुर्ग पैलेस में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं का शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित किए गए सम्मेलन में जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक शामिल हुए। सम्मेलन में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था प्रधानों का कहना है कि सरकार जहां सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है, वहीं निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हर सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। देवनानी शिक्षा मंत्री बनी हो, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों, टीचर्स और संचालक तीनों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसको लेकर हमने 9,470 ज्ञापन दिए हैं, 9 बार धरने दिए हैं, जेल भरो आंदोलन किया, सारा किया है। और ये हमारा जागृति अभियान चल रहा है 2018 के लिए। अगर सरकार प्यार से मानती है तो ठीक, वरना 2018 में हमारे बच्चों की, हमारे टीचर्स की मांग को लेकर हम इस सरकार को बदलने का पूरा प्लान बना रहे हैं। जागृति हो रही है। बेसिकली डिमांड क्या है आपकी? सर, बेसिकली डिमांड हमारी है, सरकारी बच्चे को जो सुविधा मिलती है वही प्राइवेट बच्चे को मिले, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी टैक्स देते हैं, उसके पेरेंट्स वोट भी देते हैं, इस राज्य के नागरिक हैं। कानूनी अगर मैं बात करूं तो शिक्षा सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे हम प्राइवेट स्कूल वाले बिना कुछ लिए, सरकार से कुछ नहीं लेते, पेरेंट्स से जरूर फीस लेते हैं, हम पूरी कर रहे हैं, तो कम से कम बच्चे के साथ तो भेदभाव नहीं हो। जो सरकारी स्कूल के बच्चे को 90% आने पर सुविधा मिलती है, प्राइवेट वाले मिले, क्योंकि सरकारी मान्यता सरकार देती है, पाठ्यक्रम सरकार का, एग्जाम सरकार का, रिजल्ट उनके। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में देखिए आप, बच्चों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं, सरकारी वाले को नकल कराते हैं, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ये नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का।